गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपका संजय दोस्त संजय आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी, कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर एक साथ में मिलकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करके कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बोला जाता है। तो हम इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, कि कोई दो पर्सन है, दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ में कुछ अमाउंट एक साथ में इंक्लूड करके कोई भी व्यापार शुरू करते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है कि कोई भी पूंजी जब हम निवेश कर रहे हैं, जब कोई भी पूंजी हम निवेश कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले बोला जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसको शॉर्ट में मैं लिख सकता हूं सीआई। क्या लिख सकता हूं शॉर्ट में, मैं सीआई लिख सकता हूं इस तरीके से सीआई। और फिर होता है, एक होता है टाइम, कि कितने समय के लिए हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कि जितना पैसा वो लगा करके व्यापार शुरू कर रहे हैं, टाइम कितने कितने टाइम के लिए वो यूज कर रहे हैं उस अमाउंट को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है कि उस व्यापार में जो हमने कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज लिया है और कुछ टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया, उसके बाद में उनका क्या हिस्से प्रॉफिट की, लाभ की हिस्सेदारी बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं, पूंजी निवेश बोलते हैं उस चीज को। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसी चीज को देखते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सपोज कोई एक आदमी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई दो आदमी मिलकर के, सपोज ए और बी, दो आदमी मिलकर के कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी व्यापार में, और टाइम टी, और किस टाइम के लिए, ए कर रहा है टी वन के लिए और मैं मान लेता हूं बी कर रहा है टी टू के लिए। ए कर रहा है टी वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, ए बी कर रहा है टी टू टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा A इंटू टी वन अनुपात B टी टू। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, A टी वन B टी टू। अगर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी व्यापार के अंदर अगर टाइम फिक्स है तो हमेशा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। जिस तरीके से हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये क्या होता है, हमेशा अगर किसी भी व्यापार के अंदर टाइम अगर फिक्स है, टाइम अगर फिक्स है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से मैं देख लेता हूं, अगर मेरे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और टाइम दे रखा है, टाइम अगर दे रखा है तो मुझे इस तरीके से निकालूंगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन टाइम। अगर मुझे तीसरा मैं निकाल सकता हूं कि मुझे टाइम अगर दे रखा है, टाइम निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और मुझे
कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर दे रखा है तो मैं टाइम निकालता हूँ PSR अपॉन CI, और अगर मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टाइम दे रखा है तो PSR अपॉन T। तो हम इस तरीके से ही हम करते हैं, हमारे कोई भी क्वेश्चन हो इसके अंदर यही तीन फॉर्मूले यूज में लेते हैं कि किस तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई भी पार्टनर है वो किस तरीके से पूंजी का निवेश कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए वो निवेश कर रहे हैं, और उसके बाद में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस तरीके से, किस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है। जिस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा टाइम इंटू कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम इंटू कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन के किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इजी टॉपिक है। SSC CGL प्री में इसे एक या दो क्वेश्चन, CPO में भी एक या दो क्वेश्चन होता है, ज्यादा बराबर नहीं है। चलिए हम फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विथ 25,000 आफ्टर 4 मंथ, बी जॉइन हिम विथ RS 20,000, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। हमेशा एक चीज और याद रखने वाली बात है कि जिस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में आपको या तो एंड ऑफ द ईयर दिया होगा या फिर मंथ दिया होगा, तो आपको ईयर और मंथ में ही हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ए कोई बिजनेस कर रहा है 25,000 रुपए लगा करके, और बी 4 महीने बाद में उसको ज्वाइन करता है 20,000 रुपए लगा करके। अगर वो दोनों साथ में 1 साल तक बिजनेस करते हैं, ईयर एंड तक अगर बिजनेस करते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट का शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा। और उसमें ऑप्शन दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर, ए ऑप्शन था 4:8, बी था 5:10, सी 15:8 और डी था 9:18। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि इनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000 रुपए। ए ने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं ए को लिख लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं बी के बारे में लिख लेता हूं। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपए लगा करके, और कहां तक कर रहा है, एंड ऑफ द ईयर, यानी कि वो 12 महीने पैसे को काम में ले रहा है। तो मैं लिख लेता हूं इंटू 12 रेशियो। बी 4 महीने के बाद में उसको ज्वाइन करता है, उसके साथ में आता है, और कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 20,000 रुपए। तो यहां पर 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है वो, और कितने दिन तक कर रहा है, 4 महीने बाद में आ रहा है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो कितने महीने के लिए कर रहा है इन्वेस्ट, वो 8 महीने के लिए कर रहा है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। अब सिमुलेट करेंगे, 4 3 12 5 4 20 5 5 5 5 25, तो कितना आ जाएगा, 15:8, कितना आ जाएगा, 15:8। तो 15:8 हम ऑप्शन देखेंगे सी होगा। तो हमें इसी तरीके से इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अंदर क्या दे रखा है हमें। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ये बोल रहा है, ए स्टार्ट्स बिजनेस विथ RS 21,000 एंड लेटर बी जॉइन हिम विथ 36,000, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी जॉइन इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। कि ए कुछ पैसे लगाकर 21,000 रुपए लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, और कुछ दिन के बाद में बी उसको ज्वाइन कर लेता है 36,000 रुपए लगा करके। तो ये बताइए कि बी ने कितने दिन के बाद में ए को ज्वाइन किया, अगर उनका जो प्रॉफिट है वो बराबर बराबर के रेशियो में बढ़ता है। तो सबसे पहले ये बोलना है बराबर के रेशियो में, तो मान लेता हूं मैं ए और ये मान लेता हूं बी। अब ए किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है 21,000 रुपए लगा करके, और वो कहां तक जाता है, ईयर एंड, मतलब 12 महीने तक उसको इन्वेस्ट किया है। अब बराबर है ये दोनों का, बी कुछ दिन के बाद में आता है और कितने इन्वेस्ट करता है, 36,000 रुपए। अब कुछ दिन के बाद में आता है, मैं मान लेता हूं एक्स, मैं मान लेता हूं। अब इसका हम रेशियो निकालना है, तो हम रेशियो निकालेंगे
बारह एक बारह, बारह तीय छत्तीस, और तीन एक तीन, सात तीय इक्कीस। तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा। अब ये बोल रहा है x इक्वल टू सेवन, यानी b का सेवन मंथ्स आ गया, सेवन मंथ्स उसने इन्वेस्ट किया है, x इक्वल टू सेवन आ गया, और a ने कितने महीने तक इन्वेस्ट किया, 12 महीने तक। तो हम निकाल लेते हैं, a ने 12 महीने तक इन्वेस्ट किया इंटू सात इक्वल टू पांच, 5 मंथ्स। और ये 5 मंथ्स के लिए कौन आ रहा है, 5 मंथ्स के बाद में कौन आ रहा है, 5 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया, किसने, बी ने अपने 36,000 रुपए लगाए हैं, ए ने 12 महीने के लिए लगाए, सात एक्स की वैल्यू सेवन आ गया, और ये 5 मंथ के लिए उसके साथ में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन हमारे पार्टनरशिप के इसी तरीके से होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रीकांत एंड विविध स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ RS 1,85,000 एंड 2,25,000 रेस्पेक्टिवली। इफ विविध शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज RS 9,000, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर। श्रीकांत और विविध दोनों किस एक बिजनेस शुरू करते हैं, जो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके, श्रीकांत 1,85,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और विविध 2,25,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। अब दोनों उसका कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, और जो प्रॉफिट कमाते हैं उनमें विविध का प्रॉफिट है वो 9,000 रुपये है। तो दोनों का टोटल प्रॉफिट, श्रीकांत का प्रॉफिट कितना होगा और दोनों का टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, उनका रेशियो निकाल लेते हैं, कि ये श्रीकांत में मान लेता हूं एस, और ये मैं विविध मान लेता हूं। श्रीकांत और विविध दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो श्रीकांत कितना कर रहा है, श्रीकांत कितना कर रहा है, 1,85,000, और विविध कितना कर रहा है, 2,25,000। तो अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं हम, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये कटेगा, 5 5 25, 5 5 25, 2 5 6 20, और 2 22 45 से, और इसको अगर हम कट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35, 3 और 5 3 15, 3 18 37, 37:45। अब ये बोल रहा है कि विविध का प्रॉफिट क्या है, 9,000 रुपये। तो 45 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 9,000 रुपये। कितनी हो गई 45 रेशियो की वैल्यू, 9,000 रुपये। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 45 × 90, 200 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 200 रुपये। तो यहां से हम क्या कर देंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 7 × 14, 3 × 6 = 1, 7 7,400 रुपये। और दोनों का इसने प्रॉफिट पूछा है, तो श्रीकांत का 7,400 रुपये आएगा, विविध का 9,000 रुपये है। और दोनों का प्रॉफिट अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर देख लेते हैं, 0 0 0 और 4 कितना गया, 4, और 9 और 7 16 कितना हो जाएगा, दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा 16,400 रुपये। श्रीकांत का प्रॉफिट होगा 7,400 रुपये, विविध का प्रॉफिट होगा 9,000 रुपये, और दोनों का साथ में मिलकर के प्रॉफिट हो जाएगा 16,400 रुपये। आंसर। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख करके आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है आंसर उसका उतना ही छोटा है। तो चलिए हम रीड करते हैं। मिस्टर रमेश ओपन ए वर्कशॉप इन्वेस्टिंग 40,000 RS। ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000 एवरी ईयर। आफ्टर 2 ईयर हिज ब्रदर सुरेश ज्वाइन हिम विथ एन अमाउंट 85,000। देयर आफ्टर सुरेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर। फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ वर्कशॉप दे अर्न ऑन अमाउंट ऑफ 1,95,000। वॉट विल बी रमेश हिज शेयर इन द अर्निंग।
रमेश एक कोई वर्कशॉप ओपन कर रहा है 40,000 रुपए लगा करके, और वो हर साल 10,000 रुपए और एडिशनल इन्वेस्ट कर रहा है, और 2 साल के बाद में उसका छोटा भाई सुरेश उसको ज्वाइन करता है, और वो 85,000 रुपए लगा के 2 साल तक वो 85,000 रुपए लगा के रखता है। उसके बाद में वो कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं ऐड करता है, लेकिन 4 साल के बाद में उनको 1,95,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बताइए उसमें रमेश का प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रमेश क्या इन्वेस्ट कर रहा है। रमेश 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। रमेश फर्स्ट ईयर में 40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, और फिर हर साल क्या कर रहा है वो 10,000 रुपए और ऐड कर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगले साल उसका प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए हो जाएगा। उससे अगले साल थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए हो जाएगा। उसके अगले साल फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, 70,000 रुपए हो जाएगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि रमेश 40,000 रुपए 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस 10,000 रुपए 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस 10,000 रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, प्लस 10,000 रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर बराबर एक ही आएगा। तो ये 40,000 फर्स्ट ईयर में करता है, 50,000 सेकंड ईयर में, 60,000 थर्ड ईयर में, और 70,000 फोर्थ ईयर में। आई मीन कि हर साल वो 10-10 हजार क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो मैं इनको जोड़ लेता हूं, 50, 40, 90, 6, 1,50,000 प्लस 70, 2,20,000। कितना आ रहा है उसका, 2,20,000। कितना आ रहा है रमेश का, और यहां पर भी देख लेते हैं, 40, 4×16 1,60,000, 30, 90,000, और 20, 1,00,000, 2,10,000, 10, 2,20,000। यहां भी क्या आ रहा है, 2,20,000। अब वो बोलता है कि उसका छोटा भाई सुरेश 2 साल बाद में वो ज्वाइन करता है 85,000 रुपए को, और उसी को चलाता है वो 2 साल तक कोई एडिशनल अमाउंट। तो अब मेरे पास कौन है, सुरेश है। तो एस सुरेश का अमाउंट कितना है, 85,000। आपने इसको रीड कर लिया तो मैं रफ करता हूं। सुरेश, तो सुरेश क्या करता है, 85,000 रुपीज लगाता है, और कितने साल तक चला रहा है वो, 2 साल तक। तो कितना हो जाएगा ये, 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपये उसका सुरेश का क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। अब दोनों का, रमेश और सुरेश, तो रमेश का इन्वेस्टमेंट है 2,20,000 इंटू सुरेश का इन्वेस्टमेंट है 1,70,000। तो हम 4 जीरो से 4 जीरो काटेंगे, कितना आ गया, 22:17। इनको ऐड करेंगे तो 7×2 39, यहां पर कितना आ गया, 39:39। और यहां इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,95,000। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1,95,000 बटे 39 इक्वल टू 3×0 और 5, कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा। तो ये 1 रेशियो वैल्यू 5,000 रुपये आ रहा है। तो रमेश का इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, इंटू फाइव थाउजेंड 2×5 110। एक लाख 10,000 रुपये। तो सुरेश का इसके अंदर हिस्सेदारी कितनी आ रही, सॉरी रमेश की हिस्सेदारी कितनी आ रही है, 1,10,000 रुपये आ रही है, और बाकी बची हुई 85,000 रुपये हिस्सेदारी किसकी आ रही है, सुरेश की आ रही है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, और बड़ा इजी वे में इस आंसर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है ए एंड बी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ देयर कैपिटल इन द रेशियो 7:9 एट द एंड ऑफ 8th मंथ ए विड्रॉ हिज कैपिटल इफ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 8:9 फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वाज यूज्ड। ए और बी दो कोई पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उनका पार्टनरशिप का रेशियो होता है 7:9 और वो ए अपना धन है वो 8 महीने के बाद में हटा लेता है, अपनी हिस्सेदारी को विड्रॉ कर लेता है, उसके बाद में जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 8:9 होता है। तो बताइए बी का क्या रेशियो होगा, बी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितने दिन के लिए उन्होंने किया। तो हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि कोई भी ये ए है और ये बी है तो इन दोनों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सीआई अगर मैं मानता हूं तो क्या है 7:9 में है और इनका टाइम ए ने 8 महीने के बाद में विड्रॉ कर लिया तो 8 मंथ यहां पर ले लेता हूं और बी का पूछा है तो बी का मैं टी मान लेता हूं। तो इसको अगर मैंने बताया था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टाइम दे रखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 56 और ये कितना हो जाएगा 90 और यहां पर क्वेश्चन में इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है 8:9। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करेंगे 56 अपॉन 90 इक्वल टू 8/9 तो ये हो जाएगा 8×7=56 9 से 9 तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 तो बी कितने दिन के लिए वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा है 7 मंथ के लिए 7 मंथ के लिए कितने दिन के लिए यूज कर रहा है 7 मंथ के लिए यूज कर रहा है। तो इस तरीके से हमें कोई भी पार्टनरशिप का अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको बड़े अच्छे से पहले भली भांति उसको समझ लेना है और उसके बाद में ही हमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप जरा सी भी गलती करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा और क्वेश्चन को गलत होने में टाइम नहीं लगेगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे पेपर में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा YouTube चैनल संजय खाखेल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि जब जब भी बेल आइकन बटन को आप प्रेस करके रखेंगे जब भी मैं कोई भी लेक्चर अपलोड करूंगा तब आपके पास में एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मेरा ये वादा है कि आपके साथ में मैं जुलाई से पहले पहले अर्थमेटिक एंड एडवांस SSC CGL की कंप्लीट मैथ्स मैं आपके साथ लेके आऊंगा। ओके दोस्तों नमस्कार।